हेलो डियर TYBSC, सो सिंस वी आर लर्निंग द इनेट इम्यूनिटी चैप्टर एंड वी हैव ऑलरेडी सीन द ह्यूमरल कंपोनेंट्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर इनेट इम्यूनिटी एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द वन मोर टाइप ऑफ कंपोनेंट्स विच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन द इनेट इम्यूनिटी एंड आर गोइंग टू हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस और एंटीजन. So we are all aware about the humoral component since we have learned kinase, we have seen defenses, we have seen PRPs, how they help our body. But now we are going to see the actual cells who are going to take important part in the different processes like phagocytosis, like complement activation pathways, etc. So here we are going to focus mainly on the phagocytosis and which cells actually take part in the phagocytosis or which cell actually does the phagocytosis. So to start with, mainly आपके body में there are different types of the phagocytic cells, like there are mast cells, there are different type of leukocytes or WBCs, like basophils, neutrophils, eosinophils, even macrophage, dendritic cells. Then there are natural killer cells which take part in the phagocytosis, which take part in the second line of defense. But here we are going to see those cells which help in the phagocytosis, which does the phagocytosis of the pathogen. अभी क्या होता है ना, बॉडी में अगर हमारी अगर स्किन में इंजरी हो जाए, ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाए, तो तभी हमारे बॉडी में जो है वो पैथोजन एंटर कर पाते हैं मैक्सिमम टाइम्स. बाकी हमें पता है कि कभी कभी दूसरे वे में भी आ सकते हैं, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्स, सो वी विल फोकस वेयर दे आर प्रेजेंट एंड वो एक्चुअली क्या करते हैं. तो कभी कभी अगर इंजरी हो जाए तो वो पैथोजन जो है वो एंटर हो जाते हैं बॉडी में थ्रू दैट इंजरी. और या फिर कोई सपोज़ आपकी, आपको एक एग्जांपल बहुत कॉमन देती हूँ, अगर आपने सुना होगा तो हमने सुना है कि अगर कोई आयरन की चीज़ लाइक लोहे का अगर कोई चीज़ हमें लग जाए, उसकी वजह से हमें डैमेज हो जाए, तो हमें इंजेक्शन लेना पड़ता है. तो सो व्हाई वी टिटैनस इंजेक्शन, सो व्हाई वी नीड टू डू दैट, बिकॉज उस आयरन से हमारे बॉडी में कुछ तो भी वो टिटैनी नाम का, क्लॉस्ट्रियम टिटैनी नाम का बैक्टीरिया इंटर हो सकता है. टू प्रिवेंट दैट वी टेक सम टाइप ऑफ मेडिकेशन. तो यही चीज़ है कि ऐसे अगर हो कि कभी इंजरी हो जाए, अभी ये आयरन से हो ऐसा नहीं है, कभी कभी हम कहीं घिस भी जाए, स्टोन से हो जाए, कोई मतलब कहीं हम गिर वगैरह जाए, तो कहीं भी हमें चोट लग जाए, तो बैक्टीरिया के एंटर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये सब होने के कारण हमारी बॉडी के सेल्स एक्टिवेट होती है. अब कई बार हमें इंजरी होती है तो हम हर वक्त बीमार नहीं पड़ते. तो ये किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो है कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट है जो कंटिन्यूसली पोलिस जैसे होती है, जैसे वो हमारी यू नो प्रोटेक्शन के लिए दे गार्ड लाइक एरिया अराउंड अस, तो वैसे ही ये पुलिस के जैसे काम करती है हमारे बॉडी में, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करती है कि कहीं कुछ एंटर ना हो जाए हमारे बॉडी में. तो इसकी वजह से आवर बॉडी गेट्स प्रिवेंटेड फ्रॉम द डिसीजेस. सो नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेलुलर कॉम्पोनेंट्स आर देयर, बट फैगोसाइटोसिस की बात करें तो मेनली थ्री सेल्स आर देयर जो एक्चुअली फैगोसाइटोसिस करती है, तो उनको हम फैगोसाइट्स भी बोलते हैं. अब फैगोसाइटोसिस आपको पता होगा या नहीं भी होगा, तो वी नो इट इज़ वेरी सिंपल टर्म. फैगो मीन्स समथिंग लाइक ईटिंग और एनगल्फिंग, और साइटोसिस मीन्स सेल, जो भी सेल दूसरे सेल को या कुछ ईट करता है या कुछ स्ट्रक्चर्स को यू नो एनगल्फ करता है, तो दो सेल्स आर नोन एज द फैगोसाइट्स. और वही प्रोसेस जिससे कोई भी एंटीजन हो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो, उसकी किलिंग के लिए उसको एनगल्फ करके, उसका कुछ एंजाइमेटिक एक्शन करके, उसका लाइसिस करने का काम की जो प्रोसेस है, इट इज़ नोन एज द फैगोसाइटोसिस. तो फैगोसाइटोसिस में वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स. अभी इस डायग्राम में यू कैन सी द फैगोसाइटोसिस की फैगोसोम फॉर्म होगा, देन उस फैगोसोम में कुछ तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ होंगी, जिससे वो लाइक लाइसोजाइम्स, वी नो वेरी कॉमन एंजाइम्स, तो उससे वो या तो फिर ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे, तो उससे दैट एंटीजन इज गोइंग टू लाइज्ड, इट इज़ गोइंग टू बी किल्ड. देन वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल. नाउ फर्स्ट सेल वी नीड टू लर्न इज द न्यूट्रोफिल्स, जो एक प्राइमरी टाइप ऑफ फैगोसाइट है. उनकी अगर बात करें तो न्यूट्रोफिल जो होती है,
दे आर जनरली लाइक फ्री लाइक फ्री सेल्स, वो ब्लड स्ट्रीम में दे गेट दे आर फ्रीली ट्रैवलिंग इन द ब्लड स्ट्रीम. बट क्या होता है अगर कहीं भी किसी टिश्यू को डैमेज हो जाए, कहीं अगर इन्फेक्शन हो जाए, तो ये सेल को कुछ तो भी सिग्नल मिलता है थ्रू केमोकाइंस और द साइटोकाइंस, और ये सेल अलर्ट हो जाती है और जाके पहुंच जाती है उस साइट पर, और वहाँ पे ये फैगोसाइटोसिस करती है. तो ये इनका काम है, ये मॉनिटरिंग ही करती है. इनको बस सिग्नल मिलने की देर है, वो जाके वहाँ पे पहुँच जाएगी, दे विल डू द फैगोसाइटोसिस, एलिमिनेट दैट सेल. तो ये इतनी अच्छी या फिर इतनी यू नो इम्पॉर्टेंट सेल है जो एलिमिनेट कर सकती है पैथोजेंस को. तो अगर न्यूट्रोफिल्स की स्ट्रक्चर की बात करें या उनकी बात करें, इन जनरल न्यूट्रोफिल्स की बात करें, तो उनको एक और नाम दिया गया है, दैट इज़ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. यू ऑल नो ल्यूकोसाइट्स, उनको WBCs भी कहा जाता है. तो ल्यूकोसाइट्स वी ऑल नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स, हमने देखा भी था हेमेटोपोएसिस चैप्टर में. तो वो जो ल्यूकोसाइट्स है उनको ल्यूकोसाइट बोला जाता है, बिकॉज ल्यूको मीन्स व्हाइट एंड साइट्स यू नो सेल्स, तो इसकी वजह से दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स. और ल्यूकोसाइट्स का एक पार्ट है न्यूट्रोफिल्स. तो न्यूट्रोफिल्स जो होती है उनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट क्यों बोला जाता है, बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, इट इज़ हैविंग द न्यूक्लियस, जो उसकी शेप में आप देख सकते हो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लोब्स. और ये जो लोब्स या फिर कुछ वेरिएशंस है, दिस लोब्स आर द मतलब एक ही न्यूट्रोफिल में तीन ही लोब होंगे या दूसरे में भी तीन ही होंगे, ऐसा नहीं है. डिफरेंट जो भी न्यूट्रोफिल्स है उनमें डिफरेंट डिफरेंट लोब्स है, किसी में तीन होंगे, किसी में चार होंगे, किसी में पाँच होंगे. तो ये डिफरेंट लोब्स होने के कारण उनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर, बिकॉज उनके न्यूक्लियस वेरी करते हैं, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसके वजह से उनको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है. उनमें यू कैन सी इन द डायग्राम, वो ग्रैन्यूलोसाइट्स है, इसकी वजह से दे हैव द ग्रैन्यूल्स इन देम. अभी उन ग्रैन्यूल्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के ग्रैन्यूल होते हैं, प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स होते हैं, टर्शरी ग्रैन्यूल्स होते हैं. तो जो प्राइमरी ग्रैन्यूल्स होते हैं वो थोड़ी लाइक लार्ज साइज के होते हैं, टर्शरी थोड़े छोटे होते हैं, और सॉरी सेकेंडरी थोड़े छोटे होते हैं और टर्शरी उससे भी छोटे होते हैं. तो ये जो ग्रैन्यूल्स है इनका काम क्या है, इनमें बहुत ज़्यादा लाइक एंजाइम्स होती है या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं जिससे बैक्टीरिया इनगल्फ होने के बाद उसका लाइसिस किया जाए या उसका किलिंग किया जाए. तो इसमें ये होता है ग्रैन्यूल्स होते. अगेन मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रोफिल्स है उनकी लाइफ स्पैन जो है वो बहुत कम होती है, लाइक कभी कभी आवर्स में या फिर डेज में वो किल हो जाती है. तो मैंने आपको जैसे कि बोला था कि न्यूट्रोफिल्स तो पोलिस है हमारी बॉडी की, वो हमारी बॉडी की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर रही है, तो ये किल हो जाए ये क्यों नहीं पूरी प्रोसेस करती, मतलब कैसे जो है वही क्यों नहीं एंड हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती. तो एक्चुअली उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, इसकी वजह से जो है वो पूरी की पूरी प्रोसेस नहीं करती, कुछ एक्सटेंट तक हमारी बॉडी को वो प्रोटेक्ट करती है फैगोसाइटोसिस करके. और दूसरी बात ये कि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है बॉडी में, अराउंड 40-75% जो WBCs है उनमें जो है 40-75% यही होते हैं, न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं, बिकॉज इनकी एबिलिटी बहुत अच्छी है, बिकॉज वो जो है ऑलवेज अलर्ट रहती है, उनको सिग्नल मिलने की देर है वो वहाँ पे पहुँच जाएगी जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ. सो और अगर न्यूट्रोफिल्स की बात करें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि इनमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो प्राइमरी ग्रैन्यूल जो होते हैं उनमें लाइसोजाइम डिफेंसिन जैसे मॉलिक्यूल रहते हैं, और अगर सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स की बात करें तो उनमें भी ऑक्सीडेज कॉम्पोनेंट रहते हैं जो ऑक्सीडेशन करके एंटीजन को किल करेंगे. और पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर पार्ट जो है यू शुड बी अवेयर कि उनमें न्यूक्लियस जो है वो मल्टीलोब्ड होता है, बट डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स में डिफरेंट लोब्स होते हैं, नंबर ऑफ लोब्स होते हैं, इसकी वजह से दे आर कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. सो दीज आर द न्यूट्रोफिल्स जिनको वी कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. अगर आपको कहीं पर ये न्यू वर्ड सुनने मिले तो डोंट गेट कन्फ्यूज, दे बोथ आर सेम. पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स मतलब ही न्यूट्रोफिल्स होते. सो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल वी आर गोइंग टू सी इज मोनोसाइट और द मैक्रोफाजेस. अभी हमने जब हेमेटोपोएसिस देखा था तब हमने देखा था कि माइलॉइड लिनिएज में जो है मोनोसाइट फॉर्म होती है. तो जो मोनोसाइट होती है, जैसे मैंने आपको बोला जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है उनमें मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है, बट इन मोनोसाइट्स में जो है एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, वो भी राउंड न्यूक्लियस ओवल शेप का. तो ये
सिंगल लोब होने के सॉरी सिंगल न्यूक्लियस होने के वजह से दे आर कॉल्ड एज द मोनोसाइट, थोड़ा लार्ज न्यूक्लियस होता है इनमें, और मोनोसाइट ही मैक्रोफाजेस है। अब वो कैसे, तो क्या होता है जब हेमाटोपोएसिस प्रोसीजर होती है, हमको पता है माइलॉइड लीनियजेस से मोनोसाइट फॉर्म होती है, तब जब मोनोसाइट फॉर्म होती है तब वो फ्री फॉर्म में हमारे ब्लड में सर्कुलेट होती है, बोन मैरो में मैच्योर होकर आ जाती है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। वहाँ से अभी जब भी उसको ज़रूरत है या फिर जब वो मैच्योर होने वाली हो या फिर उसको मैच्योर होना है, देन इट विल ट्रैवल, तो वो क्या करेगी, हमारे ब्लड वेसल्स की जो वॉल है उससे वो पेनिट्रेट होगी, उससे वो बाहर जाएगी और वो जाएगी हमारे टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ में जाने की वजह से क्या होगा, टिश्यूज़ में आपको पता है टिश्यू के जो सेल्स होती हैं उनमें गैप्स रहता है, तो इसकी वजह से वो उनमें भी लाइक जो इंट्रास्टिशियल स्पेस होता है बिटवीन द टिश्यूज उसमें भी ट्रैवल होती है, इसकी वजह से वो थोड़ी एनलार्ज होती है, थोड़ी उसमें ब्रांच लाइक थोड़ा वी कैन से इरेगुलर स्ट्रक्चर हो जाता है, थोड़ा एनलार्जमेंट हो जाता है, तो वो मैच्योर यू नो मैक्रोफाज में कन्वर्ट होती है, या फिर उसको हम लाइक टिश्यू मैक्रोफाज भी बोल सकते हैं बिकॉज वो टिश्यू में प्रेजेंट रहती है। इवन कुछ मैक्रोफाज होती है जो ब्लड में ही रह जाती है, वो टिश्यू में नहीं जाती, तो या फिर मोनोसाइट होती है वो ब्लड में नहीं रहती है, वो टिश्यू में नहीं जा पाती, तो उनको भी हम ब्लड मैक्रोफाजेस बोलते हैं और मोबाइल मैक्रोफाजेस भी बोल सकते हैं। तो ये जो मोनोसाइट है जब इमैच्योर फॉर्म में होती है इट सर्कुलेट फ्रीली, और जब जब टिश्यू में जाती है तब उनको मैक्रोफाज बोला जाता है, या तो फिर वो एनलार्ज और मैच्योर हो जाती है उनको मैक्रोफाज बोला जाता है। तो ये मैक्रोफाज की अगर बात करें, जैसे ही लाइक आपको मैंने बताया इनका भी काम है फैगोसाइटोसिस, बिकॉज ये फैगोसाइटिक सेल है, तो ये क्या करती है, ये हमारे जो है टिश्यूज़ में प्रेजेंट रहती है, तो अगर टिश्यू में कहीं इंजरी हो जाए, कहीं इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि मैंने आपको न्यूट्रोफिल्स में भी बोला था वो भी अवेयर हो जाती है, तो ये भी अवेयर हो जाती है। अब न्यूट्रोफिल्स मैंने आपको बोला पूरा की पूरा काम वो नहीं कर सकती, तो हमारे बाकी बॉडी सेल भी है काम करने के लिए, सो ये जो मैक्रोफाज है ये भी वैसा ही काम करती है जैसे न्यूट्रोफिल करते, बट इनका क्या काम है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, ये एंटीजन प्रेजेंट भी करती है, मतलब कहीं अगर इनको कुछ सिग्नलिंग मिल जाए कि इंजरी, मतलब टिश्यू में अगर इंजरी हो जाए, ये भी यू नो मॉनिटरिंग करती, वो टिश्यू के पास ही होती है, मैंने जैसे आपको बोला कि वो टिश्यू में माइग्रेट होती है, इसकी वजह से वो टिश्यू के पास ही होती है, तो हमारी बॉडी में अगर इंजरी हो जाए तो वो टिश्यू में होने के मतलब हर बॉडी पार्ट के टिश्यू में होती है, इसकी वजह से क्या होता है वो अलर्ट जल्दी हो जाती है, उनको पता चल जाता है। अभी वो सभी जो है माइक्रोब्स को किल नहीं कर पाती, तो वो क्या करेगी, एक आधा माइक्रोब जो मतलब बहुत सा वो ट्राई ही करेगी कि वो सबको किल करे, बट एक आधा को वो एक आधे को वो इनगल्फ कर लेती है। उसको इनगल्फ करने के बाद वो अपने सरफेस के ऊपर जो है आपको पता है मैंने आपको सिखाया था टोल लाइक रिसेप्टर होते हैं या फिर जो है PRRs होते हैं, उनकी वजह से वो इजीली यू नो बाइंड हो पाते हैं पैथोजन से, तो वो पैथोजन को बाइंड करके इनगल्फ कर लेंगे। इनगल्फ करने के बाद वो उनको प्रेजेंट करेंगे ऑन देयर सर्फेस थ्रू द MHC मॉलिक्यूल, और उनको सर्फेस पे प्रेजेंट करके वो जाएंगे टू द टी हेल्पर सेल हो या साइटोटॉक्सिक टी सेल हो, उनको जाके सिग्नल करेंगे, उनको पता लग गया टी सेल को तो वो बी सेल को बताएंगे, बी सेल एंटीबॉडी सीक्रेट करेंगे, यही यू नो मेजर फंक्शन होता है मैक्रोफाजेस का कि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तो ये जो मैक्रोफाजेस है अभी इनकी भी जो है लाइफ स्पैन, जैसे मैंने आपको न्यूट्रोफिल्स का बताया था, न्यूट्रोफिल्स की लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, इनकी लाइफ स्पैन बहुत अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा है, दैट इज़ वाई वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन भी देते हैं बॉडी को। अदर देन दैट इनकी फंक्शन जो है इट इज़ अ जायंट सेल, तो वो ऑब्वियसली किलिंग का काम करते हैं, सेल एनगल्फमेंट का काम करते हैं, तो वो फैगोसाइटोसिस करते हैं, टी हेल्पर सेल बी लिम्फोसाइट्स को यू नो हेल्प करेंगे टू जनरेट द एंटीबॉडीज, अगेन वो एक लिंक है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड इनेट इम्यूनिटी में, बिकॉज एक तो वो ऑब्वियसली सेल में जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको भी सिग्नलिंग करते हैं और खुद भी किल करते हैं, वो नेचुरली भी किल करते हैं, तो इसकी वजह से दे आर अ लिंक बिटवीन द इनेट इम्यूनिटी एंड द एडाप्टिव इम्यूनिटी। देन सेकंड थर्ड टाइप ऑफ द सेल जो आपके सिलेबस में दी गई है और जो है फैगोसाइटिक सेल विच इज डेंड्राइटिक सेल। तो डेंड्राइटिक सेल का अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा, या यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर उसका होता है थोड़ा ऐसे ब्रांच के जैसे होता है, यू नो लाइक अमेबा का कैसे स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ ब्रांचेस जैसे होते हैं बट इसमें थोड़े लार्ज स्पाइक जैसे ब्रांचेस होते हैं, तो इसकी वजह से उनको डेंड्राइटिक सेल बोला जाता है, और उनको लैंगरहैंस सेल भी बोला जाता है बिकॉज
लैंगरहैम नाम के साइंटिस्ट ने इनको इन्वेंट किया था, दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज लैंगरहैम सेल्स। तो इन सेल्स की अगर बात करें डेंड्राइटिक सेल की, जैसे मैंने आपको मैक्रोफाजिस का भी बताया था, ये डेंड्राइटिक सेल तो डायरेक्टली हमारे जो भी लाइनिंग होती है बॉडी की, म्यूकल लाइनिंग, म्यूकस लाइनिंग, या फिर कोई भी बॉडी ऑर्गन की लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग, उसके पास ये प्रेजेंट रहते और कंटिन्यू पेट्रोलिंग करते, जैसे हमारे पुलिस मन करते कंटिन्यूस पेट्रोलिंग करते, कहीं भी इंजरी हो जाए इनको फट से पता लग जाता है। तो ये भी एक टाइप का इनका एडवांटेज है। तो जैसे मैक्रोफाज होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये भी थोड़े हमारे बॉडी सेल्स एक्चुअली अलर्ट रहते हैं सभी, और ये ज़्यादा रहते बिकॉज ये सरफेस के सबसे पास रहते हैं। इमैच्योर हो तो वो ब्लड वेसल्स में रहते हैं, बट अगर मैच्योर हुए हो दे आर गोइंग टू स्टे इन द नियर द एपिथेलियल लाइनिंग और बिनीथ द एपिथेलियल लाइनिंग। तो वहाँ पे ये कंटिन्यूसली मॉनिटर होते हैं, और ये फर्स्ट सेल होते हैं जिनको पता लगता है बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। तो ये क्या करते हैं, अगर इन्फेक्शन हुआ तो अलर्ट हो जाते हैं, और मैंने आपको सिखाया था टोल लाइक रिसेप्टर होता है, तो इनमें वो होता है टोल लाइक रिसेप्टर। तो वो टोल लाइक रिसेप्टर क्या करेगा, एंटीजन को बाइंड करेगा। एंटीजन जो है वो जब डेंड्राइटिक सेल पे बाइंड होगा वो एनगल्फ किया जाएगा, उसका प्रेजेंटेशन किया जाएगा, फिर डेंड्राइटिक सेल जाएंगे लिम्फ नोड में, या तो लिम्फ नोड में जाके फिर वो टी सेल को बताएंगे, बी सेल, फिर टी सेल बी सेल को बताएंगे, और वो एंटीबॉडी सीक्रेट करेगा। ऐसा ही इनका फंक्शन होता है। और मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, सॉरी, मैक्रोफाजिस में क्या होता है, जो मैक्रोफाजिस होते हैं जैसे मैंने आपको बताया था वो टिश्यूज़ में रहते हैं। अगर वो टिश्यू कौन सा हो, अगर वो लीवर का टिश्यू हो तो उनको कफलर सेल बोला जाता है, अगर वो लंग का टिश्यू हो तो उनको एल्वियोलर मैक्रोफाज बोला जाता है, स्किन का हो तो वो लैंगरहैम सेल होते हैं, अगर कनेक्टिव टिश्यू में हो तो वो हिस्टोसाइट्स होते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हो ब्रेन में दे आर कॉल्ड एज माइक्रोग्लिया। तो ऐसे ही उनको नाम डिपेंडिंग ऑन द, आपको दो चार अगर याद हो जाए तो डिपेंडिंग ऑन द बॉडी पार्ट जहाँ पे वो प्रेजेंट है दे आर नेम्ड। सो नाउ डेंड्राइटिक सेल्स की अगर बात करें, सो दे आर, देयर मेजर फंक्शन वी नो, दे आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मतलब वो एंटीजन को एनगल्फ करके दे आर गोइंग टू प्रेजेंट इट टू द लिम्फोसाइट्स लाइक टी लिम्फोसाइट एंड द बी लिम्फोसाइट्स। सो नाउ डेंड्राइटिक सेल्स की अगर बात करें तो दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लाइक लैंगरहैम सेल्स, डर्मल डेंड्राइटिक सेल, मेलानोसाइट्स, मार्किल सेल्स, मतलब वो टिश्यू के लाइनिंग में होने की वजह से बॉडी के हर पार्ट में प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई उनके अकॉर्डिंगली उनको नाम भी दिया गया है। मतलब अगर वो डर्मल यानी कि स्किन टिश्यूज के पास, स्किन लाइनिंग के पास हो, देन दे आर कॉल्ड एज द डर्मल डेंड्राइटिक सेल। सो दे मेंटेन द इम्यून मेमोरी इन द टैंडम विद बी सेल, लाइक बी सेल के जैसे ही इनमें एबिलिटी है कि वो भी मेमोरी जो है वो स्टोर करके रखे एंटीजन की। सो दे आर ऑल्सो लाइक बैलेंस बिटवीन द इनेट एंड द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड दे आर इंड्यूसिंग एंड मेंटेनिंग द इम्यून टॉलरेंस ऑब्वियसली, बिकॉज जो भी लाइक एंटीजन आता है फर्स्ट इन्हीं से एनकाउंटर होता है, दैट इज़ वाई दे आर गोइंग टू लाइक डू द इम्यून टॉलरेंस फंक्शन। तो ये है हमारे तीन सेल्स जो इम्पॉर्टेंट फैगोसाइटिक सेल्स है, जो फैगोसाइटोसिस करते हैं एंड बॉडी को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कॉजिंग द डिसीज। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, ये सेल क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थ्री टाइप्स ऑफ द सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द फैगोसाइटोसिस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस एक्चुअल में कैसी होती है। थैंक यू।